नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 को लेकर के अपडेट है और ये बहुत बड़ा अपडेट है साथियों। नोटिफिकेशन इसी कारण से डिले हो रहा था। यहाँ पे जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है और यहाँ पे अब आपके 120 प्रश्न नहीं बल्कि यहाँ पे 150 प्रश्नों का अब पेपर लिया जाएगा यहाँ पे। और दूसरी अपडेट ये है साथियों कि जो प्रथम चरण की भर्ती हुई है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो मेरिट में आने के बाद भी अपनी एक छोटी सी गलती के बाद बाहर हो गए हैं सीधे सिलेक्शन से। तो जो भी शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए अभ्यर्थी हैं वो सब ध्यान से इसको देखेंगे कौन कौन से आपको मिस्टेक नहीं करना है। साथ ही साथ जो पैटर्न बदला है उसको भी हम लोग समझेंगे। जो यहाँ पे अब 150 प्रश्न का पेपर होगा, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया सीधे और इनकी छोटी छोटी सी गलती के कारण। तो वो सब आपको गलती नहीं दोहराना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग यहाँ पे लिस्ट आ रही है तो सबको हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस कारण से लोग छटे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन भी आपका आज शाम तक यहाँ पर संभव है कि जारी कर दिया जाएगा और जिसमें पैटर्न आपका बदल रहेगा। जहाँ पर पहले 120 प्रश्नों का पेपर था तो उसको अब 150 प्रश्नों का यहाँ पर कर दिया जाएगा। सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। निगेटिव को लेकर के भी यहाँ पे बात किया जाएगा कि निगेटिव का क्या कुछ इसमें मामला चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 2024 जिसमें 9, 10th और 11, 12th के लिए चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा स्टडी गाइड तैयार किया गया है। एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न को फॉलो करते हुए जिसमें पेपर 1 भाषा अर्हता और सामान्य अध्ययन का पेपर दिया गया है और साथ ही साथ आपका डिटेल्स यहाँ पर व्याख्या भी दिया गया है जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बीपीएससी की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर बुक जारी की जाती है जिसके माध्यम से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज ही इस बुक को परचेज करें और अपनी तैयारी को नई दिशा दें। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पटना से, जहां शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी की ओर से जल्द ही अधिसूचना निकाली जाएगी। बता दें, अगले महीने की शुरुआत में ही परीक्षा हो सकती है। संभावित तारीख 7, 8, 9, 10 दिसंबर हो सकती है। बता दें, इस बार परीक्षा का पैटर्न बदलेगा। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 2 की बजाय 1 ही परीक्षा ली जाएगी। एक ही प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें 30 प्रश्न भाषा के होंगे जिसे पास करना जरूरी होगा। सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्नों और विषय से संबंधित 80 अंक के प्रश्न होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी देखिए पटना से सामने निकल कर आ रही है। शिक्षा बहाली के लिए जल्द ही यहां पर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब बहुत जल्द अधिसूचना जारी होगी और शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को जो परीक्षा लेनी है, जितनी रिक्तियां हैं, इस बाबत अधिसूचना जाएगी और उसके बाद बीपीएससी ने तैयारी कर रखी है और साथ ही साथ डेट भी जो है वो लगभग तय है। और ये पहले और दूसरे वीक दिसंबर महीने के जो बीच का समय है उसमें ये परीक्षा ली जाएगी। 7, 8, 9, 10 है, ये 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन ये तय है और इसमें इससे ज्यादा समय जो है वो नहीं जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पैटर्न में बदलाव किया गया है। पिछले जो एग्जाम हुए थे बीपीएससी ने लिए थे, शिक्षक अभ्यर्थियों के दूसरे राज्यों से और दूसरे शहरों से जो लोग आए थे एग्जाम देने को लेकर, तो व्यवहार में देखा गया था कि 2 दिनों की परीक्षा में रुकने ठहरने में भारी मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा था। लिहाजा परीक्षा के पैटर्न में बीपीएससी बदलाव कर रही है और 2 के बजाय अब 1 पेपर 1 प्रश्न पत्र होंगे लेकिन उसमें भाषा को लेकर 30 जो प्रश्न है समाहित होंगे जिसे पास करना कंपलसरी होगा और मेधा सूची को लेकर उसी में 40 प्रश्न जो है वो सामान्य ज्ञान से और 80 प्रश्न जो है वो होंगे विषय के। तो यानी कि 120 अंक के पहले जो एग्जाम होते थे अब वो 120 सवाल के अब वो 150 सवाल के होंगे। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं और अभी जो सूचना जारी होगी इसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो तैयारी करें क्योंकि समय कम मिलेगा। लेकिन जो प्रपत्र जमा करना है इसको लेकर बीपीएससी पर्याप्त समय देगी और लगभग 25 नवंबर तक प्रपत्र जमा करने की समय सीमा होगी संभावित। और उसमें जो भी प्रश्न प्रपत्र है उनके, यानी जो पेपर्स मांगे गए हैं वो सही हो, अन्यथा फिर उसके बाद कोई मौका इस बार बीपीएससी नहीं देगी और किसी तरह के उसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं होगी। लिहाजा सोच समझ कर और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले ही छात्र इकट्ठा कर ले और समय इसे भरे। हालांकि जो समय सीमा है उससे ज्यादा
तो यहाँ पे आपने देखा साथियों न्यूज़ के माध्यम से भी कि वहाँ भी अपडेट ये दिया जा रहा है जो आपका 150 प्रश्नों की होगी, अब पेपर होगी। हालांकि ये आपका रहेगा कि उसमें एक ही पेपर होगा, यानी आपको जो दो पेपर होता था एक भाषा का अलग से, उसको अलग से नहीं देना होगा। और अब बदलते हुए पैटर्न पर यहाँ पर आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा 150 प्रश्नों के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैटर्न बदल गया है। निगेटिव की बात करें साथियों, तो अभी निगेटिव को लेकर के कुछ भी अपडेट नहीं दिया जा रहा है और आज शाम तक यहाँ पे उम्मीद है कि अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो वहाँ पे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि निगेटिव इसमें रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो निगेटिव के लिए अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। फिलहाल आप लोग इस पैटर्न का जो पैटर्न है जिसमें आपका 120 प्रश्न रहेंगे आपका पहले ही जैसा, जैसे कि 40 आपका सामान्य रहेगा और जो आपका 80 प्रश्न वो आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, तो 120 हो गए और 30 आपका भाषा का रहेगा, यानी 150 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे साथियों जो लिस्ट अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनका यहाँ पे देखेंगे किस कारण से बाहर हुए हैं, जो गलती आपको नहीं करना है यहाँ पे। जैसे देखेंगे यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिला का अपडेट है और प्रथम दृष्टया में संदेह स्पष्ट यहाँ पर प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को रोकी गई और पंथिक नियुक्ति की विवरणी। तो देखिए यहाँ पर दिखाया गया जैसे स्टेट बहुत सारे अभ्यर्थी नॉट क्वालिफाइड थे और गलत सर्टिफिकेट यूज किए थे। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे तो अन्य अभ्यर्थी का मैं और भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, यानी बहुत से लोग इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट भी नहीं लगा पाए हैं। तो आप लोग ये गलती ना करेंगे, सर्टिफिकेट ज़रूर आप लोग लगाएंगे। यहाँ पे टेट यहाँ पे मार्कशीट नहीं था इनका, तो ये भी इनको बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो नॉट एलिजिबल फॉर लैंग्वेज, बहुत लोग पीआरटी के लैंग्वेज भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो इसको भी हवा में नहीं लेना है आप लोग को। इसके अलावा देखेंगे दूसरा लिस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे ये है अलग डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पे भी बताया गया अलग अलग क्वालिटी, जैसे में एस्टेट कोई नहीं पास किए हैं, इनका पेपर रीडेबल नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इनका मैच नहीं कर पाया सोशल साइंस के लिए, तो ये छोटी छोटी गलती आप लोग को नहीं करना है। सब्जेक्ट ग्रुप नॉट मैच यहाँ पर दिखाया गया इनका, इसी तरीके से कोई नहीं पास किए हैं। सबसे बड़ा दिक्कत ये है साथियों कि इसमें आपको 3 ही बार चांस मिलता है और अगर आप किसी कारण से यहाँ पे बाहर भी हो जाते हैं तो एक तो आपका मेहनत बेकार चला जाएगा, दूसरा आपका चांस ख़त्म हो जाएगा, यानी आप यहाँ पे मात्र 3 बार ही एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो कोई भी गलती यहाँ पर ना करें, सोच समझ के फॉर्म भरें। आज उम्मीद है कि शाम तक जारी हो जाएगा जिसमें बदले हुए पैटर्न पर यहाँ पर प्रश्न जारी किए जाएंगे। तो बाकी अपडेट्स के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, जैसे ही पैटर्न से रिलेटेड कोई और अपडेट आती है और निगेटिव को लेकर के तुरंत मैं मिलता हूँ आपसे। धन्यवाद।